जय हिंद मैं प्याप्चो जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं प्याप्चो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जो है हम सब जीके जीएस के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनके सही आंसर क्या है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उस दृष्टिकोण से मैं प्याप्चो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो चलिए सभी बच्चे एक बार जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे और ये के क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है इन क्लास का नारा किसने दिया, पहला ऑप्शन है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है महात्मा गांधी। तो मैं आप इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, यह आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अर्थात भगत सिंह, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लोधी वंश का संस्थापक है, तो भैया इनमें से जो है लोधी वंश का संस्थापक कौन है, पहला ऑप्शन है इब्राहिम शाह, बी है दौलत खान लोधी, सी है बहलोल लोधी और डी है सिकंदर लोधी। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बहलोल लोधी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई, पहला ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी है शाहजहां और सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर है। तो चलिए सभी बच्चे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर है शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, पहला ऑप्शन है आगरा, बी है ग्वालियर, सी है सासाराम और डी है नई दिल्ली। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सासाराम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, बी है राजा जयपाल, सी है जयचंद और डी है फिरदौसी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छह यहाँ पर है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, पहला ऑप्शन यहाँ पर है चरक, बी है धन्वंतर, सी है नागार्जुन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, पहला ऑप्शन अजंता, बी है एलोरा, सी है महाबलीपुरम और डी है खजुराहो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका सही जवाब है एलोरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आठ यहाँ पर है सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए, पहला ऑप्शन है जहांगीर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात अकबर ने कदम उठाए थे, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नौ यहाँ पर है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, पहला ऑप्शन है मौर्य, बी है नंद, सी है पल्लव और डी है गुप्त। तो मेरे प्यारे इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अर्थात नंद वंश। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, पहला ऑप्शन है महाशिव गुप्त ने, बी है नरसिंह देव ने, सी है अकबर ने और डी है महामेघ वाहन ने। तो भैया यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, यहाँ पर नरसिंह देव जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो है मैक्सिमम बच्चों को जो है इसका राइट आंसर नहीं पता था, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, वास्तव में ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया, पहला ऑप्शन है जीके गोखले, बी है एनी बेसेंट, सी है एमजी रानाडे और डी है महात्मा गांधी। तो भैया यहाँ पर आपका एनी बेसेंट ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैं भी आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया, पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है इब्राहिम लोदी, सी है पृथ्वीराज चौहान और डी है शेरशाह सूरी। तो मेरे प्यारे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। पहला ऑप्शन यहां पर है 1919 ईस्वी में, बी है 1923 ईस्वी, और सी कहता है 1942 ईस्वी, और डी है 1930 ईस्वी। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1930 ईस्वी। प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज में भी इसकी चर्चा हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। पहला ऑप्शन है पल्लव वंश का, बी है मौर्य वंश का, सी है राष्ट्रकूट वंश का, और डी है प्रतिहार वंश का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन राष्ट्रकूट वंश का। ये जो है आज आप सभी को ऑफलाइन में भी कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए साथ ही साथ ऑनलाइन में भी ये प्रश्न आपका मिल ही गया। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। ऑप्शन ए तराइन का पहला युद्ध, बी है तराइन का सेकंड युद्ध, सी है तराइन का तीसरा युद्ध, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन बी तराइन के सेकंड युद्ध में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की। पहला ऑप्शन थी, पहला ऑप्शन है 1292 ईस्वी में, बी है 1299 ईस्वी में, सी है 1296 ईस्वी में, डी है 1294 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या आप लोगों को मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, क्या आपको मालूम है इसका जो है जो सन दिया गया है वह बिल्कुल सही है। तो चलिए आप लोगों का जो है यहां पर 1292, 1299, 1296, 1294। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया है, यहां पर 1296 इसकी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था। तो भैया पहला ऑप्शन है राव चंद्र सिंह, बी है कल्याणमल, और सी है रामचंद्र, और डी है हकीम मिर्जा। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, यहां पर आपका ऑप्शन सी रामचंद्र जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा, जहांगीर ने किस कलाकार को नारिस उल उस की उपाधि दी थी। पहला ऑप्शन है अबुल हसन, बी है अबुल मसूर, और सी है हसन इमाम, डी है उस्ताद मंसूर। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन डी सही है, अर्थात उस्ताद मंसूर को दी गई थी। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए दो कदम और मंजिल से दूर हैं इस प्रैक्टिस सीरीज के, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था। ए है अब्दुल कादिर, बी है गेसु दराज, और सी है मौलाना सैरी, और डी है अब्दुल रहीम। तो भैया यहां पर कौन सा सही जवाब है, यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है। तो मेरे बच्चों यहां पर सही जवाब क्या है, तो चलिए सभी बच्चे यहां पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी काकवड़ जो है यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज के आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस सीरीज से थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा।